नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, साथ आपके मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी। प्रधानमंत्री आज केदारनाथ में है। सुबह उन्होंने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए, लोगों से मुलाकात की और उसके बाद पीएम मोदी साधना के लिए गुफा में चले गए, जहां वो शक्ति साधना कर रहे हैं। कल वो यहां से सीधे बद्रीनाथ जाएंगे और वहां बाबा बद्रीनाथ की पूजा अर्चना करेंगे। और देखिए, केदारनाथ धाम से तस्वीरें भी हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखा रहे हैं। आपके सामने इस वक्त दो तस्वीरें हैं पूजा अर्चना आज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम में यहां वो पहुंचे, हमने देखा गढ़वाली वस्त्र में भी दिखाई दिए यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। कल बेहद अहम दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और 23 तारीख को नतीजे आने हैं। उसके पहले प्रधानमंत्री की ये साधना की दो तस्वीरें आपके सामने। और देखिए, इन दो तस्वीरों के बाद अब हम आपको चार तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप गढ़वाली वस्त्र में देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केदारनाथ पहुंचे। इसके बाद जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो है बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की। सोमनाथ पहुंचे यहां पर अमित शाह दर्शन के लिए बाबा के। वहीं देवेगौड़ा है तिरुपति में और गोल्डन टेम्पल में आपको दिखाई दे रहे हैं बादल। तो ये चार तस्वीरें चार अलग अलग नेताओं की हम आपको दिखा रहे हैं। सियासी गलियारे में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ प्रभु की साधना की तस्वीरें हैं, किस तरह से भगवान का आशीर्वाद मिल जाए और जीत मिल जाए। इन चारों तस्वीरों में चार अलग अलग नेता आपको यही करते दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ और बद्रीनाथ के दो दिन के दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ में पहुंच चुके हैं और वो केदारनाथ धाम के दर्शन भी कर चुके हैं। हम इस समय केदारनाथ मंदिर के बिल्कुल बाहर खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, देश के अलग अलग इलाकों से यहां पर दर्शन के लिए आए हैं और किस तादाद में आप देख सकते हैं लोग यहां मौजूद हैं। लंबी लंबी कतारें लोगों की लगी हुई है और जो आप व्यू देख सकते हैं इस समय कैमरे पर, पूरी तरह से इस मंदिर को पहाड़ों ने घेर रखा है, बर्फीले पहाड़ों ने घेर रखा है और ठंड भी बहुत ज्यादा है। उसके बावजूद भी लोग एक लंबी दूरी तय करने के बाद यहां पर आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आज पूरा दिन अपना व्यतीत करेंगे। जो अधिकारी यहां पर केदारनाथ को फिर से बनाने में लगे हुए हैं उनसे भी प्रधानमंत्री मोदी ने मीटिंग की और ये भी सुनने में आ रहा है कि वो मेडिटेशन भी करेंगे और पूरी रात भर प्राइम मिनिस्टर मोदी यहीं पर रहेंगे और सुबह के समय पूजा करके वो बद्रीनाथ के लिए निकलेंगे और अपने दो दिन के इस टूर का केदारनाथ और बद्रीनाथ का अंत करेंगे और दिल्ली के लिए वापस जाएंगे। नरेंद्र मोदी बाबा केदारनाथ के धाम पहुंच गए हैं, उन्होंने यहाँ पूजा अर्चना की है। उनके कुल पुरोहित जो उनकी लगातार चार बार से पूजा कर रहे हैं वो हमारे साथ यहाँ पे इंडिया न्यूज पे मौजूद हैं। आइए उनसे बात करेंगे कि किस तरीके की पूजा अर्चना उन्होंने उनसे की। सर, किस तरीके की पूजा अर्चना आपने यहाँ नरेंद्र मोदी जी के लिए बाबा केदारनाथ धाम के अंदर की? हमने तो सब ऐसा है, मोदी जी ने तो जो अपने मन में बोला होगा तो वो बोला होगा, लेकिन हमने तो उनके आयुष के लिए और यश कीर्ति के लिए और विजय प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करी है और यही हमने उनको आशीर्वाद भी दिया है कि आप तीन बार पीएम बन रहे हैं, आपको नोबेल प्राइज मिल रहा है। और हमने जब ये आशीर्वाद दिया उनको तो वो थोड़ा मुस्कुरा भी रहे थे। बाकी प्रभु कृपा से हमारे तो बहुत ध्यान रखा है पीएम साहब ने। मोदी पूजा करने के बाद जो मंदिर है उसकी परिक्रमा की क्या महत्व है? परिक्रमा का महत्व यही है साहब कि जो पूजा में कहीं कोई भूल चूक हो, जीवन में कोई भूल चूक हो और जितने उसमें जाए सारे देवी देवता गण, स्थानीय देवी देवता गण, उस प्रभु की बलाई एक प्रकार से आपने वो लेते हैं, उसमें ऐसा होता है कि वो प्रभु सब इसी में संतोष आप हो जाए, ये मेरी ओर से ये ऐसा है। एक आखिरी सवाल है मेरा कि आप यहाँ लंबे समय से पूजा करते हैं, 2013 से लेके अब तक आप कितना बदलाव देखते हैं केदारनाथ वैली में? देखो साहब, हम लोग तो सीधी बात है, क्षेत्र तो बर्बाद हो गया था हमारे महादेव दादा के मंदिर के अलावा हमारे क्षेत्र तो, लेकिन मोदी सरकार ने हमको बसाने की पूरी कोशिश करी है और हम लोग इसके लिए सारा तीर्थ पुरोहित समाज बहुत बहुत आभारी है उनका। सब लोग आशीर्वाद देते हैं, उनके यश
कीर्ति लाभ और विजय के लिए प्रार्थना करते हैं। तो थैंक यू उनसे बात करने के लिए। ये थे तीर्थ पुरोहित प्रवीण चंद्र तिवारी, जिन्होंने जो कि नरेंद्र मोदी के कुल पुरोहित हैं और लगातार चौथी बार इन्होंने उनकी पूजा अर्चना की है। साथ ही नरेंद्र मोदी को 2019 के लिए उन्होंने आशीर्वाद भी दिया है। सुभाष गौड़, इंडिया न्यूज, केदारनाथ। तो जीत का